हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्ती कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि एग्जाम का माहौल चल रहा है BNMU में। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ कवर होने वाला है, तो बने रहना हमारे साथ। ये वीडियो को प्रारंभ करते वीडियो हैं। में हम लोग सारे न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं। कुल मिला के 5 सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है आप सभी के विश्वविद्यालय से। पहले नंबर में बात करेंगे पार्ट 2 से, जितने भी सवाल देखने को आ रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 13 जनवरी से एग्जाम प्रारंभ है। दूसरे नंबर में बात करेंगे पार्ट 3 का रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा, और तीसरे नंबर में बात करेंगे पार्ट 3 का प्रैक्टिकल एग्जाम कब से लिया जाएगा और कहां पे इसका सेंटर पड़ने वाला है, और चौथे नंबर में बात करेंगे पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, और पांचवें नंबर में कुल मिला के 5 सबसे बड़ी खबर जो ऑफिशियली निकल के आ रही है उन प्रत्येक पहलुओं पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा आज का वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है। जैसा कि आपके परीक्षा नियंत्रक जो हैं, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कहा गया था कि विद्यार्थियों को कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना जो है एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर ले, और ऑनलाइन जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं वही ओरिजिनल हो जाता है, ठीक है, आपको कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, 2 दिन से छात्र अपने अपने कॉलेज में लगा रहे हैं चक्कर, क्योंकि परीक्षा में परेशानी आ सकती है, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यूनिवर्सिटी की लापरवाही से जो है डिग्री पार्ट 2 के दर्जनों छात्रों के एडमिट कार्ड त्रुटिपूर्ण रहे हैं। कल से होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड पर फोटो चिपका कर हस्ताक्षर से देंगे परीक्षा। जी हाँ, बहुत सारे छात्रों में जो है फोटो का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फोटो चिपका कर हस्ताक्षर से देंगे परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर आप बात से देख सकते हैं, कुछ छात्रों का जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड भी दिखाया जा रहा है। जिन छात्रों का एडमिट कार्ड में दूसरे का फोटो लगाया हुआ है तो कॉलेज में आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, तत्काल उनके एडमिट कार्ड पर सही छात्र का फोटो चिपकाकर मोहर हस्ताक्षर करके उसे एग्जाम हॉल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कॉलेज का चक्कर लगाना ही होगा यदि आपके एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटिपूर्ण आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 3 का रिजल्ट कब से प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। ये सब जो फोटो में देख रहे हैं आप, आदमी जो कॉपी लिए बैठे हुए हैं, तो ये कॉपी लिए इसलिए बैठे हैं कि आपके कॉपी का यहाँ पे जांच चल रहा है, यानी कि मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। मतलब आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही अतिशीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी BNMU के द्वारा, क्योंकि सेशन को पटरी पर लाना है हर हाल में। मूल्यांकन कार्य में नहीं हो कोई गड़बड़ी, स्नातक पार्ट 3 के मूल्यांकन का कार्य परीक्षा नियंत्रक ने लिया जायजा, ठीक है। ये आपके परीक्षा नियंत्रक हैं और इनके द्वारा जो है जायजा लिया जा रहा है कि आपका जो कॉपी जांच हो रहा है किस प्रकार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी का मूल्यांकन का परीक्षा जायजा लेते हुए मंगलवार को मूल्यांकन केंद्र पहुंचे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर RP राजेश्वर ने सभी कमरों में जाकर मूल्यांकन के कार्य का निरीक्षण किया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम आप सभी का कब से लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट जो है फरवरी में प्रकाशित कर दिया जाएगा, ये संभावना है, बट हकीकत कुछ भी हो सकता है, बट ये हम पॉसिबिलिटी के साथ बोल सकते हैं कि फरवरी में आप सभी को रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हो, पार्ट 3 के प्रैक्टिकल की तिथि जल्द ही घोषित होगी, ठीक है। यानी कि अभी कोई मतलब ऑफिशियल डेट निकल के नहीं आ रही है, बट यहां पे संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। और बात रहा प्रैक्टिकल सेंटर कहां पे होगा, तो होम सेंटर ही होगा, ठीक है, होम सेंटर ही होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम से जैसे ही कोई डेट या कुछ भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आती है तो इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म जो है जल्द भरा जाएगा। BNMU के स्नातक पार्ट 1 2021 के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित की जाएगी, ठीक है। छात्रों का पंजीयन काम चल रहा है, पार्ट 2 की परीक्षा समाप्त होने ही पार्ट 1 का, जी हाँ, जैसे ही पार्ट 2 का परीक्षा समाप्त होता है वैसे ही पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्द परीक्षा भी ले लिया जाएगा पार्ट 1 वालों का। तो कुल मिला के 5 सबसे बड़ी खबर हम बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 का जो है एग्जाम फॉर्म अभी डेट नहीं आया हुआ है, पार्ट 3 का रिजल्ट डेट नहीं आया है, बट संभावना जताई जा रही है आपके विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके बाद कर लेते हैं पार्ट 2 का एग्जाम कल से प्रारंभ है, ठीक है, और जैसे ही कोई अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से आपको रूबरू किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोगों को क्या करना है ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।